नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म संवाद। मेष राशि वालों, भाग्य उदय हो रहा है। भाग्य से धन आएगा, कब कैसे ये हम आपको जरूर बतलाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, 16 जून की सुबह सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में आ चुके हैं और इसके पहले वृषभ राशि में मौजूद थे। और जब सूर्यदेव यहाँ आए हैं तब बन रहा है राजयोग। शुक्रदेव द्वितीय भाव में रहकर आपको धन देंगे, विवाह करवाएंगे और यहाँ पर बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि भाग्योदय होने की पूरी संभावना बन रही है। कैसे ये हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, उसके पहले हम एक बार बहुत कहना चाहेंगे, ये समय करीब 8 दिनों का थोड़ा कठिन है। इसके लिए आपको हमारा अगला वीडियो सुनना होगा और कैसे बचें, क्या बचाव करें, क्या उपाय करें, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको अच्छी खबर दे देते हैं। जन्म कुंडली में अगर आपके ग्रहों की पोजीशन अच्छी है तो 100% इस समय का फायदा मिलेगा और कैसी भी पोजीशन है, गड़बड़ भी है तो भी 50% फायदा जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, शुक्रदेव द्वितीय भाव में रहकर आपको धनवान बनाएंगे, रुका हुआ फंसा हुआ धन आएगा, प्रॉपर्टी का सुख देंगे और अगर इस समय आपने शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, लॉटरी सट्टे वगैरह में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं तो वो भी आपके अच्छे खासे मुनाफे के साथ रिटर्न होने वाले हैं। विवाह होने की पूरी संभावना बन रही है, विवाह करवाएंगे। विवाह में अभी तक कोई अड़चने आ रही थी तो वो भी दूर होगी और गोचर में द्वितीय भाव में शुक्रदेव बलवान हो जाते हैं, पावरफुल होते हैं और जब शुक्र पावरफुल अवस्था में होते हैं तब फिल्म मीडिया ग्लैमर वाले फील्ड में तरक्की देते हैं। इन क्षेत्रों में आप खूब मान सम्मान, नाम, धन कमाएंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो ये समय अति उत्तम है, सर्वोत्तम है। साथ ही अगर आप विदेश से व्यापार करते हैं तो ये समय आपको बहुत सारे मुनाफा मिलने वाले हैं। हो सकता है आप करोड़ों के प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएं। आप इस समय विदेश में अपना घर भी ले सकते हैं। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो इस समय प्रयास तेज कर दें। दूसरी बात, अगर आप सोना, हीरा या चांदी के व्यापारी हैं तो ये समय छप्पर फाड़ सफलता, धनवान बनाने का है, भाग्योदय का है। होटल, ट्रेवल, टूवल जैसी चीज़ों में भी आपको लाभ होंगे। महिलाओं से संबंधित कोई आप व्यवसाय करते हैं तो यहाँ भी लाभ होगा, जैसे पार्लर वगैरह है तो इन जगह से भी आपको बहुत अच्छी संभावना बनती है। दोस्तों, एक और चीज़ है, भाग्योदय तो हो ही रहा है, 15 जून से लेकर 28 जून तक किस्मत का साथ मिलेगा, विवाह भी होगा, उत्तम जीवन साथी मिलेगा, पत्नी से लाभ होगा, पति से लाभ होगा और हो सकता है आपका लव पार्टनर, वैवाहिक जीवन का पार्टनर के थ्रू आपका भाग्योदय हो, यानी दोनों का भाग्योदय एक दूसरे के थ्रू होगा और आप दोनों के लिए बहुत लकी रहेंगे। खासकर पत्नी के माध्यम से धन आने की प्रबल संभावना बनती है। लाभ तो होगा ही, पैतृक संपत्ति भी मिलने की पूरी संभावना बन रही है। आपके परिवार वाले आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और परिवार के लोग भी आपको किसी भी तरह की, कहीं कोई अगर धन संबंधी आपको चाहिए, कुछ कहीं गड़बड़ हो रही है या फिर कहीं आपको लॉस हो रहा है और तो वो भरपाई तो आपको भाग्य से मिल जाएगा। अब मान लेते हैं आप अपना घर ले रहे हैं, दुकान ले रहे हैं, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री ले रहे हैं तो आपके परिवार वाले भी आर्थिक रूप से सपोर्ट करेंगे। व्यापारियों को तो लाभ होगा ही, लेकिन स्वास्थ्य पे ध्यान देना है और इसके लिए हमने एक और वीडियो तैयार की है, आप उसका इंतज़ार करें, हम उसको उसमें आपको विस्तार से बतलाएंगे। दोस्तों, शुक्र अपने घर में आकर बना रहे हैं राजयोग और देवगुरु बृहस्पति की सम सप्तक राजयोग भी इस समय आपको किस्मत का साथ देने के लिए तैयार बैठा है। छप्पर फार सफलता मिलेगा, महापुरुष राजयोग और मिल रहा है केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी साथ। अब आप बहुत ही भाग्यशाली रहने वाले हैं। धन भाव में शुक्रदेव अपार धन देंगे, विवाह करवाएंगे, संगीत फिल्म मीडिया वाले क्षेत्र में कामयाबी कदम चूमेगी, धन भी आएगा और भाग्य से आएगा। देव गुरु बृहस्पति सम सप्तक राजयोग बना रहे हैं और ये समय धनवान
बनाने वाला युग चल रहा है तो किसी न किसी रूप से धन तो आएगा, धनवान भी बनेंगे आप, और इस समय आपको पीछे मुड़कर देखने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ग्रहों की क्या पोजीशन है और क्या क्या होगा, इसके लिए अगले वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि अभी कुछ समय भारी भी चल रहे हैं। कब से कब तक सावधान रहना है और कब से कब तक भाग्योदय होगा, इसके लिए फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे साझा की, तीन तीन राजयोग का साथ मिल रहा है, पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।